Hello students, my name is Rohan and welcome to Fatafat Concepts by Toppr. Hello everybody, how are you doing? And welcome to the new session. जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं सिलेंडर के बारे में. आपके घर का LPG सिलेंडर नहीं है. LPG सिलेंडर is a kind of shape जिसके बारे में बात करने वाले हैं. हाँ, तुम लोगों ने सही अनुमान लगा लिया. It's about cylinders, right? So we all know सिलेंडर कैसा दिखता है, right? गोल सा ऊपर पे टॉप और फिर बॉटम है ना, जैसा इस इमेज में है राइट नाउ. हाँ, बिल्कुल वैसा होता है सिलेंडर, बिल्कुल राइट. गॉट इट. द अपर सरफेस सर्कुलर, बीच वाली सरफेस सर्कुलर है पर ओपन करके पेज जैसी होगी, रेक्टेंगुलर पेज जैसी, राइट. चलो तो इसके बारे में हम बात करते हैं. सो दीज आर सम सिलेंड्रिकल शेप्स जो कि हमारे आसपास दिखती है, हमको बहुत इजीली दिख जाती है ना. पेन होल्डर, sir, वो battery, the glass. I also have some shapes here. For example, ये glass, ठीक है? This is a cylindrical shaped glass, right? Let's talk about this candle. This is also cylindrical shape, right? अच्छा, ये toilet paper है ना, इमेज में भी है. This is also a cylindrical shape, right? And sometimes the shape might not be completely cylindrical, but they are partially cylindrical. जैसे कि ये bottle, हाँ, ये देखो, है cylindrical है, nice, got it, got it. तो guys, हम इन्हीं shapes के बारे में बात करने वाले हैं. Let's start with the surface area of a cylinder. सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे syllabus के अंदर जो हम cylinder पढ़ते हैं, उसके आगे हमेशा लिखा होता है right circular cylinder, है ना, right circular cylinder. क्या है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर? क्या सिलेंड्रिकल दूसरे किसी तरीके का भी हो सकता है सिलेंडर? चेक करते हैं गाइस. तो गाइस, जब आप किसी सिलेंडर को देखते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर. व्हाई? सबसे पहले तो ये देखो कि अगर इमेजिन दिस कैंडल एज लॉट ऑफ सर्कल्स, राइट, लाइक वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सर्कल्स के डिस्क, ठीक है, और अगर ये कुछ जमीन से इस तरीके के एंगल पे टिल्टेड होता, राइट, इस तरीके के एंगल पे टिल्टेड होता, राइट. नॉट आई एम सेइंग कि ये नीचे से थोड़ा सा बल्जिंग और ऊपर टिल्टेड होता, जैसे कि इस इमेज में है. जस्ट लुक एट दिस इमेज, जहां पे सर्कल जो है वो एक टिल्टेड डायरेक्शन में है, राइट. सो जो हाइट है, जो अगर बॉटम सारे के सेंटर्स को हम मार्क करें और उससे एक लाइन निकालें, that line will not be perpendicular to the base. That line will be little tilted. इस तरह का सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होता. It should be right angled. ये बात याद रखनी है, ठीक है. हमारे सिलेबस में प्रीडोमिनेंटली हमें यही पढ़ना है. दूसरा, हो सकता है कि आपका जो ये फिगर है कंप्लीटली सर्कुलर ना हो, जैसा कि हम दूसरी इमेज में देख पा रहे हैं. इट्स लाइक अ प्लेट, ठीक है. तो ये कुछ अलग तरीके के सिलेंडर्स हैं जिन्हें हमें नहीं पढ़ना. हमें पढ़ना है राइट सर्कुलर सिलेंडर. तो आओ देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. लेट्स गो. तो अभी मैंने आपको बताया राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना, देख लिया अच्छे से. अब हम देखते हैं कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सिलेंडर के अंदर हमेशा ही तीन अलग अलग शेप्स, या फिर कहेंगे तीन अलग अलग सरफेसेस हैं. एक तो ये इसकी गोल जो सरफेस है, राइट, दिस इज द कर्व्ड सरफेस. ये क्या है? फ्लैट है. ये क्या है? ये भी फ्लैट है, ठीक है. तो यानी कि सरफेस एरिया को भी हम दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया और द एरिया ऑफ द बेसेस, ठीक है, टॉप एंड बॉटम. सबसे पहले हम इस इमेज को देखते हैं. यहां पर एक पेज है, राइट, इट्स जस्ट लाइक अ रेक्टेंगुलर सरफेस, ठीक है. अगर इस रेक्टेंगुलर सरफेस को मैं फोल्ड कर दूं तो क्या दिखेगा हमको? तो ये रेक्टेंगुलर सर्फेस, जो ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये चेंज होके कैसे बदल जाएगा? ये बन जाएगा सिलेंडर, ठीक है. अच्छा, जैसे कि ये टिश्यू पेपर, इट्स अ वेरी फाइन एग्जांपल, ठीक है. यू कैन सी कि यहां से ये पेज अलग हो रहा है, ठीक है. आई विल मार्क दिस पॉइंट, और अगर मैं इसको ओपन करूं, अगर मैं इसको ओपन करूं, सो दिस रेक्टेंगुलर शीट, अगर मैं इसको यहां से ओपन करके निकाल लूं, ठीक है, this rectangular sheet is exactly, it has the same area as that of my circular, right circular cylinder, है ना. इसका curved surface area और इसका area same है. तो या तो अगर आपके पास ये रेक्टेंगुलर मिल जाता है तो लेंथ इन जो ब्रेथ से इसके एरिया निकाल सकते हैं। पर लेट्स इमेजिन कि आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है, ये आपके पास सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। तो इसको भी बड़े आराम से देखेंगे गाइस, ठीक है। तो इट हैज गॉट द हाइट एज वेल एज इसकी कुछ रेडियस है फ्रॉम द सेंटर। इसमें जो सर्कल्स बन रहे हैं इसका कुछ रेडियस है, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस इमेज, लुक एट अनफोल्डिंग ऑफ दिस इमेज, ठीक है। तो गाइज याद रखते हैं, इमेजिन करो यू आर ओनली लुकिंग एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द टॉप, सर्कमफेरेंस ऑफ द टॉप, ओके। इमेजिन दैट what is the circumference of the top? That is 2 pi r. Now imagine a series of rings जो कि ऊपर से नीचे तक आ रही है, ठीक है। So 2 pi r multiplied by h, ठीक है, the height, जितनी rings नीचे आती जा रही है, that will make the outer surface area and or the curved surface area of this cylinder, ठीक है। ये तो curved surface area की बात हो गई, पर इसके टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया क्या होगा ये हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया। इट्स वेरी वेरी इजी गाइस, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो द टोटल सरफेस एरिया बिकम्स 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एंड फाइनली इट कैन बी 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस एच, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। इट्स सो इजी गाइस, इसमें कोई मुश्किल नहीं आती। नाउ लेट्स गो टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर पे चले आगे आप लोग। तो अभी मैं बात कर रहा था सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की और मैंने आपको दिखा दिया कि इट वाज जस्ट सेम एज दिस रेक्टेंगुलर शीट। ये आप करके भी देख सकते हो, इफ यू हैव यू आर गिवन द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट इट विल बी एग्जैक्टली दिस लेंथ विल बी एग्जैक्टली 2 पाई r एंड दिस हाइट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर एज वेल। बट नाउ इमेजिन दिस कैंडल व्हिच इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अब इस कैंडल को जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको मेल्ट करूंगा, ठीक है, तो क्या इसकी वॉल्यूम बदल जाएगी? नहीं, ठीक है। तो हम इसकी वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम के बारे में बात करने से पहले क्या आपको पता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल? दैट इज पाई आर स्क्वायर, अभी तो डिस्कस किया था, ठीक है। तो गाइस इमेजिन कि पाई आर स्क्वायर के बहुत सारे डिस्क हैं आपके पास। राइट नाउ दीज आर नॉट रिंग्स, दीज आर डिस्क। तो बहुत सारी डिस्क है, पाई आर स्क्वायर आप उसका एरिया है। नाउ इफ यू विल एड ऑल दोस डिस्क का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। कितने डिस्क हो गए? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर? इट विल बी पाई आर स्क्वायर h एंड दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना गाइस, इट्स सो सिंपल, जस्ट फॉलो। टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय r प्लस h and the volume is pi r square h. याद नहीं रहता? Imagine it being rings and disc. काम वहां finish है. For more such Fatafat concepts, do like and subscribe our channel and also do not forget to join us on Telegram.